हम लोग 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जातिवार जनगणना कराएंगे। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनको हिस्सा नहीं मिल सकता है। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल हम लोग माफ करेंगे। तीसरा, गरीबों का इलाज हम लोग फ्री करेंगे। चौथा, हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी रद्दी की टोकरी में डाल रखा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। और मजे की बात आपको बता दूं, अभी मैं गया था ट्रामा सेंटर, आज के तारीख में योगी जी के ललका साड़ से 70% लोग एक्सीडेंट होकर के ट्रामा सेंटरों में भर्ती हो रहे हैं, 70% लोग। तो इस घटना को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, तो इससे बचाने के लिए हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको कैसे निजात मिले। आज योगी जी के ललका साड़ किसानों का धन दुगुना कर रहा है, उसका अर्कल मटर चर जा रहा है, आलू चर जा रहा है, गोभी चर जा रहा है, गेहूं चर जा रहा है, आई योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। न तो लखीमपुर घटना में अजय मिश्रा टेनी को आप उठा के देखिए, SIT की रिपोर्ट आ गई कि प्री प्लानिंग योजना करके किसानों की हत्या की गई है, पत्रकार की हत्या हुई है, 9 लोगों की हत्या हुई है। इसके बाद भी योगी जी का बुलडोजर या तो तेल खत्म हो गया है या तो इनके बुलडोजर का ड्राइवर गायब हो गया है। इनका बुलडोजर चलेगा कहाँ? कोई बैकवर्ड व्यक्ति होता, कोई शेड्यूल कास्ट का होता, कोई माइनॉरिटी का होता तो वहाँ बुलडोजर ले जाके चढ़ा देते, खट से चढ़ता, लेकिन इनका बुलडोजर नहीं चढ़ रहा है। एक किसानों के सवाल पे, नौजवानों को रोजगार के सवाल पे, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी 75 साल में अगर किसी सरकार में पैदा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा हुई है। सबसे ज्यादा महंगाई 75 साल में अगर किसी सरकार में आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। और ये बड़ा ताल ठोक रहे हैं कि हम अनाज दुगुना दे रहे हैं, उसी गरीब का धोती छोड़ के उसी के कपार पर बांध रहे हैं। 400 रुपया गैस सिलेंडर 1000, 600 रुपया उसमें का, और 50 रुपया का सरसों का तेल था उसको 200 किया, उसमें का 150, दुइया का खाली जोड़ लीजिए 750, और गरीबों को गेहूं कितने का दे रहे हैं? 200 का दे रहे हैं, और 550 रुपया ये अपने खाते में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। इनके जैसा झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, गुमराह करो। इनके पास शिक्षा के सवाल पे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे कोई योजना नहीं है। गरीबों को बेहतर जीवन जीने के लिए संसाधन, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ, लेकिन आज क्या है, एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाए। ये उद्घाटन मंत्री भाजपाई हैं, ये लोग खाली शिलापट लगा देंगे, दूसरे का काम पर शिलापट लगा के वो फीत आगे कपड़ा लगा देंगे, आके उद्घाटन करेंगे और उसके पीछे जाएंगे तो कुछ हो नहीं है। यही है इस सरकार का काम, इनसे निजात दिलाने के लिए आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश के नेताओं को, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, आगरा हो, 18 मंडल के 75 जिले के हमारे आज जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है। आज उनको इस बात का एहसास और समीक्षा होगी और उनको यकीन हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।